थर्ड एग्जाम्पल आप लीजिए, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट बिफोर टेकिंग द डिसीजन, एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट एंड बिफोर टेकिंग द डिसीजन इज नोन एज संक कॉस्ट। इज नोन एज संक कॉस्ट एंड दैट्स वाई टोटली इरेलेवेंट, एंड दैट्स वाई टोटली इरेलेवेंट, दैट्स वाई टोटली इरेलेवेंट फॉर द डिसीजन। कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी खर्चा अगर आपने डिसीजन लेने से पहले कर दिया, वो आपके डिसीजन के लिए क्या हो जाएगा, टोटली इरेलेवेंट। अब इसके लिए हमेशा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सपोज ये एग्जाम्पल्स इसके लिए दे रहा हूं ताकि आपको याद रखने में इजी रहे। सपोज आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ सपोज से गुलाब जामुन, राइट, मेरी गुलाब जामुन बनाने की शॉप है, ओके। उसके लिए मेरे को सबसे जो मेन इनपुट है वो क्या रहता है, सपोज मैंने शुगर परचेज किया 1000 kg, कभी परचेज किया बिफोर 3 मंथ एट द रेट ऑफ ₹20, ऑलराइट। अब आज की डेट में अगर ये सुपर ये शुगर में परचेज करता हूं तो तेरी ये परचेज प्राइस और यू कैन से रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ₹22 per kg। अगर मैं इसको सेल करता हूं तो सेल वैल्यू या फिर रियलाइजेबल वैल्यू इज सपोज ₹21 per kg। आई एम मैन्युफैक्चरर हूं लाइक गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के लिए मुझे क्या चाहिए, शुगर। मैंने शुगर ऑलरेडी परचेज किया 3 महीने पहले 1000 kg, उसका रेट था 20, आज के डेट में उसका रेट क्या चल रहा है, 22, बराबर। अगर मैं शुगर को सेल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 21, सही है सुनो। अब कोई कस्टमर आके मेरे से पूछता है कि आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 kg ऑफ गुलाब जामुन, राइट, एंड दैट 1000 kg गुलाब जामुन के लिए हाउ मच शुगर इज रिक्वायर्ड, सपोज 1000 kg, बराबर। तो शुड आई टेक 1000 × 20, मैं कॉस्ट शीट बनाऊंगा तो उसमें कॉस्ट क्या लू, 1000 × 20, 1000 × 22 और 1000 × 21, आप मुझे बताइए प्रैक्टिकल सिचुएशन है या नहीं है। इट मींस एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट, कोई भी एक्सपेंस है वो हमने पास्ट में इनकर किया बिफोर टेकिंग द डिसीजन, ये क्या हो गया, टोटली संक कॉस्ट। अब आप क्लाइंट से पूछिए कि भैया आप क्या करने वाले हैं, आप रेगुलरली कंटिन्यू करने वाले हैं अपना बिजनेस गुलाब जामुन का, वो बोलता है हाँ सर मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। इसका मतलब अगर आपने ये 1000 kg इशू कर दिया तो आपको इमीडिएटली परचेस करना पड़ेगा, और परचेस के लिए आपको क्या पे करना पड़ेगा, 22, तो आपका रिलेवेंट कॉस्ट क्या हो गया, 22। सुनो बोलता नहीं सर, या तो मैं ये ऑर्डर लूंगा, नहीं लूंगा तो मैं इसको सेल करूंगा शुगर को। इसका मतलब इफ यू आर नॉट टेकिंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर, अगर आपने नहीं लिया ऑर्डर तो आप इसको सेल करेंगे, इट मीन्स इफ यू आर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉट सेलिंग द शुगर, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, 21,000। नहीं नहीं पर अगर आपने रेगुलरली यूज करने के लिए लिया है, सपोज आपने रेगुलर अगर आपने किया तो आपका 1000 kg पूरा सपोज निकल गया पूरा की पूरा, तो ये भी तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा ना। हाँ तो नेक्स्ट ऑर्डर के लिए खरीदना तो पड़ेगा ना, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा उस टाइम। अभी आपने गोल्ड परचेज किया, सपोज आपने गोल्ड परचेज किया 5000 rupees, आज की डेट में चल रहा है रेट 10,000, अब आपको कोई रिंग बनवाने के लिए आ रहा है तो 5000 रेट चार्ज करेंगे कि 10,000। सपोज यू आर ए ज्वेलर,
आप क्या क्या रेट चार्ज करेंगे? और 10,000 ही करेंगे। अब इसमें आप बोलते हैं फीफो मेथड लो, अरे फीफो कैसे लेगा क्लाइंट? आपकी हिम्मत है क्या इंस्टीट्यूट को लेटर लिखो कि भाई ऐसे कैसे? हमारे हमको प्रॉब्लम आती है, आपको क्या मालूम है? हमारा क्लाइंट हमको गाली देता है, हमारा अकाउंटेंट वो ऑडिटर बोलता है फीफो, तुम बोलता है ये रिप्लेसमेंट वाला, वो हमको करने का क्या? तुम आके एज ए कॉस्ट कंसल्टेंट तुम आके बोलता है कि तुम ऐसा करो करके। हाँ तो फ्रेंड्स अपना एग्जाम्पल चल रहा था कि सपोज 1000 केजी हम लोगों ने सुगर परचेज किया एट द रेट ऑफ ₹20, आज की डेट में उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट है सपोज 22 एंड रियलाइजेबल वैल्यू है सपोज 21। यही एग्जाम्पल था ऑल राइट। तो अगर मेटेरियल इज इन रेगुलर यूज है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रिप्लेसमेंट को। और सपोज इफ देर इज नो यूज तो आपको क्या लेना पड़ेगा? रियलाइजेबल वैल्यू। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट बिफोर टेकिंग द डिसीजन इज टोटली इरेलेवेंट। आपको याद एक्चुअली आपको याद नहीं है, कैपिटल वेस्टिंग में हम लोग लेते हैं रिप्लेसमेंट का डिसीजन। कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एसेट्स WDB ऑफ द ओल्ड एसेट इज टोटली इरेलेवेंट। द रिलेवेंट इज व्हाट? ओनली रियलाइजेबल वैल्यू। सपोज अपने पास WDB है, मैंने कंप्यूटर खरीदा उसका WDB है सपोज 5000। अब मुझे लैपटॉप लेना है राइट, उसका कॉस्ट है सपोज से 62,000। कहां 20,000 में किधर आएगा? 62,000 बराबर। अब मुझे चांस है कि ये कंप्यूटर को मैं सेल करूंगा तो मुझे या तो 5000 मिलेगा सेल वैल्यू, या 7000 मिलेगा, या 3000 मिलेगा, या कुछ नहीं मिलेगा राइट। एंड मेरा इनकम टैक्स रेट है सपोज 50%। तो व्हाट इज द रिलेवेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो? द रिलेवेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, देर आर थ्री ऑप्शन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। मेरा कॉस्ट ऑफ द लैपटॉप क्या है? ₹62,000। अब मैं इसको सेल करूंगा 5000, WDB 5000, मेरा सेल वैल्यू भी कितना है? 5000। तो कैपिटल गेन क्या हो गया? जीरो। पूरा के पूरा 5000 मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब बाकी का क्या हो गया? 50। दिस विल बी माई रिलेवेंट कॉस्ट। दिस वैल्यू इज टोटली इरेलेवेंट। द रिलेवेंट इज वॉट? इज ए रियलाइजेबल। अब ये 7000 में सेल हुआ, 5000 मेरा कॉस्ट था, मेरे कैपिटल गेन कितना हो गया? 2000। टैक्स भरना पड़ेगा 1000। तो 7000 मेरे को मिला, 1000 टैक्स गया, कितना बचा? 6000। तो 6000 ये हो गया एंड दिस इज 62,000। तो मेरा क्या आ जाएगा? 56। ये मेरा रिलेवेंट कॉस्ट हो गया। सुनो, 3000 है मेरा WDV क्या था? 5000। मेरे को लॉस कितना हो गया? 2000। 2000 की वजह से टैक्स सेव कितना होगा? 1000। 1000 प्लस 3000 क्या हो गया? 4000। ये आपका क्या है? 62। ये आपका क्या आ जाएगा? 50। इट मीन्स ये WDV इज टोटली इरेलेवेंट। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन पास्ट बिफोर टेकिंग द डिसीजन इज टोटली इरेलेवेंट। ओके, तो ये छोटे से एग्जाम्पल से अपन शुरू करते हैं राइट। और इसका क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन वो अपन बाद में करेंगे। अब इससे रिलेटेड आप जरा सम्स देखिए कि कैसे अपन इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 लास्ट टू लास्ट टाइम एग्जाम में आया हुआ है, मॉड्यूल में भी है सेम सम, एंड एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 89 आराम से एक बार आप रीड कर लीजिए, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको। ओके, लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आया हुआ है सेम सब।
20,000 आवर्स अपने पास मैक्सिमम अवेलेबल है, बराबर। तो आप एक जरा नोट उसी में आगे लिख दीजिए, द अबव कॉन्सेप्ट, उसी एक्सप्लेनेशन में ना, एग्जाम्पल थ्री के बाद, द अबव कॉन्सेप्ट, द अबव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग, द अबव कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेवेंट कॉस्टिंग इज ओनली एप्लीकेबल, इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पर्सन क्या होना चाहिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस में, एग्जिस्टिंग होना चाहिए, राइट। अब देखो आपके पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं, 20,000, राइट। अच्छा, और एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे वो कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रुपीज 10। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 10, आपको आवर्स मिल जाएंगे, बराबर। आपको बताए 20,000 आवर्स में, 20,000 आवर्स आर नॉट सफिशियंट टू प्रोड्यूस ए बी सी डी, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो बाहर से लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो सब प्रॉब्लम किससे रिलेटेड थे, प्रॉफिट। अब ये रिलेटेड है किससे, कॉस्ट। तो रिवर्स कर देंगे, ठीक है। कैसे रिवर्स करेंगे, पहले गिवन करके लिखो आप, क्या क्या इंफॉर्मेशन है गिवन, आर्स अवेलेबल 20,000, फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट, चाहे आप परचेज करो फिक्स कॉस्ट इज नॉट रिलेवेंट, 20,000 आवर्स आपके पास अवेलेबल है। नाउ आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट ए बी सी डी, डायरेक्ट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय रुपीज 10, एंड दिस इज आवर्स पर यूनिट 10, 20, 10, 60। इसका मतलब 1 आवर, इसका मतलब 2 आवर्स, इसका मतलब 1, एंड इसका 6। अब हम लोग कैसे डिसीजन लेंगे, अभी तक हम लोग क्या लेते थे, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, अब उसकी जगह आप ले लीजिए लॉस ऑन परचेज पर यूनिट। ओके, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग लॉस ऑन परचेज पर यूनिट, पर आर एंड रैंक। कौन कौन से कंपोनेंट है फ्रेंड्स अपने पास, ए बी सी डी। इसका परचेज प्राइस है 60, 59, 52, 168। स्लोली ट्राई टू एब्जॉर्ब द कॉन्सेप्ट। परचेज प्राइस है अपने पास 60, 59, 52 एंड 168। अगर हम लोग खुद बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट, 62 माइनस 5, नहीं समझा,
62 माइनस 5, 59 माइनस 4, 68 माइनस 11, 57, और राइट फ्रेंड्स 164 माइनस 20, लॉस ऑन परचेज पर यूनिट। अब जरा ध्यान से सुनना, मेरा परचेज कॉस्ट क्या है 60 एंड मेरा बनाने का कॉस्ट क्या आ रहा है 57। ऑल राइट, मेरा बनाने का कॉस्ट आ रहा है 57। अगर मेरे को ऑप्शन मिलेगा तो अगर मैंने एक यूनिट परचेज की तो मुझे कितने का लॉस होगा 3। मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 55, मार्केट में कितने में मिल रहा है 59, तो मेरा क्या होगा कॉस्ट लॉस 4। मेरा बनाने का कॉस्ट 57, मार्केट में मिल रहा है 52 में, तो आई एम नॉट अभिषेक बच्चन राइट, क्या डिसीजन लेंगे 5। ये तो डेफिनेटली मैं क्या करने वाला हूं परचेज। सही है सुनो, अब 168 और यहां पे 144, कितने का लॉस हो गया 20। अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो पहले मैं इसको मैन्युफैक्चर करेगा तो मेरा लॉस सेव होगा ना फ्रेंड्स, फिर मैं इसको मैन्युफैक्चर करेगा, फिर मैं इसको मैन्युफैक्चर करेगा, उल्टा हो गया ना प्रॉफिट से। मैं अगर मैं इसको कर लेगा तो मेरा 24 रुपया एक यूनिट पर बच जाएगा ना। सही है सुनो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लिमिटिंग फैक्टर इज ए आर्स, तो डिवाइडेड बाई व्हाट आर द आर्स 1, 2, 6 सिक्स ना ना है, वन वाला तो हो गया ना परचेज, कंफ्यूज नहीं करो यहां प्लीज। लॉस ऑन परचेज पर आर, इसके एक घंटे पर लॉस 3, इस पे 2 और इस पे 4। सही है सुनो, देन रैंक फॉर प्रोडक्शन, इफ आई परचेज फ्रॉम आउटसाइड, एक घंटे में लॉस मुझे क्या होगा 4, एक घंटे में मुझे लॉस क्या होगा 3, एक में क्या होगा कुछ ना कुछ तो मुझे बाहर से लेना है, तो पहले मैं इसको प्रोड्यूस कर लूं तो मेरा लॉस सेव हो जाएगा, फिर मैं इसको प्रोड्यूस कर लूं और उसके बाद मैं ये प्रोड्यूस करता हूं। सही है सुनो, दिस इज अ लॉस ऑन परचेज पर आर, पहले मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा डी, तो मेरा लॉस सेव हो जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, फिर मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा ए, फिर मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा ये तो डेफिनेटली मुझे सी तो बाहर से ही लेना है, वेरिएबल कॉस्ट से भी कम में मिल रहा है ना,